हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश आई एम शेयर विद यू वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिगार्डिंग देंटेटिव डेट ऑफ रिजल्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम कंडक्टेड बाय यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन राइट सो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि असिटेंट प्रोफेसर जो यू हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन ने कराया था उसकी आंसर कीज़ आ चुकी हैं काफ़ी मैंने इससे पहले भी एक वीडियो शेयर की थी तो उसमें मैंने बताया था कि एक विज्ञप्ति जारी की गई इसमें आंसर कीस की बात की गई और वो एक दिन बाद फिर आंसर कीस वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई और बच्चों ने मिला भी ली और उसके बाद ये देखने को पाया गया कि उसमें आ, किसी में पाँच किसी में सात किसी में छः किसी में दो ऐसे करके आ, कुछ क्वेश्चंस को डिलीट किया गया ओके डिलीट करने के बाद जो है फिर बच्चों ने अपने अपने आंसर्स मिलाए और सभी विषयों की ज़्यादातर जो आंसर कीज़ हैं वो जारी हो चुकी हैं और अंतिम आंसर की बताया गया है इसको कि जो भी इसकी सचिव हैं श्रीमती वंदना त्रिपाठी जी उन्होंने बताया कि ये आंसर कीज़ जो हैं वो अंतिम हैं नाउ नोबडी कैन चैलेंज दिस थ्रू मेल और एनी एनी अदर मीडियम कि अब अब जो है ये आंसर की फाइनल है अब इसमें कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है ओके okay. तो जैसे कि कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स में ही जैसे 93 थ्री क्वेश्चनस में से जो है मेरिट बनेगी तो नाइन्टी थ्री में से जितने आपके सही बैठ रहे हैं उस हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो ये मैंने एक बात बताई कि आंसर किसके रिगार्डिंग अब मैं बताने जा रहा हूँ कि रिजल्ट कब तक आने की संभावना है तो ये एक न्यूज़ है जो एक न्यूज़पेपर है मशहूर न्यूज़पेपर यूपी का उसकी न्यूज़ है प्रयागराज के ही संदर्भ से छपी है उसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के सैंतालीस विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी इसमें लिखा हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के सैतालीस दिशाओं में रिक्त 2003 पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी शुक्रवार को जारी कर दी गई उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने अपनी वेबसाइट जो कि इनकी वेबसाइट है डब्ल्यू और डब्ल्यू पर अंतिम उत्तर कुंजी अपलोड कर दी अब इसी में इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है आखिरी पैराग्राफ में कि आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी ने साफ किया है कि उक्त संशोधित एवं अंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी और लिखित परीक्षा का परिणाम 20 फरवरी तक आने की उम्मीद है तो जो बात हम लोगों ने डिस्कस की थी और जो मैंने आप लोगों को एक टेंटेटिव डेट बताई भी थी कि फैब के दूसरे हफ्ते तक आंसर कीज़ आ जाएंगी उसके बिड में और देखिए वही हुआ बारह तेरह में तेरह तारीख में जो कि दूसरा हफ़्ता चल रहा है उसमें आंसर कीज़ आ गई और तीसरे हफ्ते में मैंने रिज़ल्ट की बात की थी और तीसरे हफ्ते में ये भी रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं कि बीस फरवरी तक आने की उम्मीद है और मुझे लगता है जिस तेज़ी से इन्होंने ये एक्शन लिया है तो पूरी उम्मीद है कि थर्ड वीक में ही आ, आपके जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो आप लोग अपनी अपनी जो है तैयारी शुरू कर दिए इंटरव्यू की जिन्होंने नहीं की है इंटरव्यू की तैयारी करिए और बहुत कम टाइम मिलेगा तो अपना रिवाइज़ करना शुरू कर दिए क्योंकि उससे ये भी फायदा होगा कि 15 मार्च को आपका जो भी यू पी पी का जी का एग्ज़ाम है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का एग्ज़ाम है उसमें भी आपको एक मदद साबित होगी तो आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी तो अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए ओके तो ये मैंने आज आपको डेट बताई बीस फरवरी तक रिजल्ट आने की उम्मीद है जिसका साक्ष्य मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है ठीक है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल दानिश करे काउंसलिंग थैंक यू वेरी मच थैंक्स फॉर वॉचिंग